करना हो गई पूरी गोल्डन की। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम बैठ करके हमने चाय नाश्ता किया थोड़ा नाश्ता। अभी हम लोग जाएंगे वृंदावन के लिए निकलेंगे। वो आप लोग बने रह गए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, तो चलिए चलते हैं वृंदावन। ये देखो छोटी छोटी सी पप्पी है, प्यारे प्यारे सी छोटी छोटी सी पप्पी। और ये है इनकी मामा, छोटी सी बच्चों की मामा। और ये देखो शनी, ये शनी खेल रहे हैं यहाँ पे। और जो शूट का ये वो है शनी की मम्मा। प्यारे प्यारे बच्चे हैं छोटी छोटी सी। देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे, क्या मिला यहाँ पे हमें। बाबू कुछ खाने के लिए नहीं दे सकती तुमको, कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थे दो छोटे छोटे से बच्चे, पप्पी के मतलब पप्पी थे, डॉगी के बच्चे थे। तो इन्हीं के साथ सनी खेल रहा था और लवी भी थी यहाँ पर, लवी फोटो क्लिक करा रही थी। एक्चुअली हम यहाँ पर ना पेट्रोल पंप पर रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर एक पिंजरे में बंद थे दो पप्पी छोटे छोटे से, तो सनी खेलने लगा था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो ये क्योंकि कुछ चीज़ें ना देखते एकदम से अट्रैक्ट करती हैं, तो बस ऐसे ही हम थोड़ा सा घूम रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉगी था और अभी हम लोग फिर से चल दिए। एक्चुअली हम लोग वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे यहाँ रास्ते में, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था हमारा। तो यहाँ पर अभी हम चल दिए वापस अपनी गाड़ी की तरफ, और अभी हम लोग बैठेंगे अपनी गाड़ी में और जाएंगे वृंदावन। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आप लोगों को आज दर्शन कराते हैं हम बांके बिहारी जी के, और घुमाते हैं प्रेम मंदिर। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो लेकिन जितना भी पॉसिबल हुआ हमने शूट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, आप लोगों को भी बांके बिहारी जी के दर्शन करा सकें हम लोग। तो अभी हम लोग पहुँच गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो ये वहाँ की जो गली थी, मतलब बहुत छोटी सी गली थी जिसके अंदर से हमें जाना था, और यहाँ पे ना मार्केट लगी हुई थी गली में। तो ये दुकानें आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर, देखकर मन करता है कि खरीदो ले लो सामान जो भी है, पर हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी यहाँ से, क्योंकि हमें शॉपिंग जो करनी थी हमने सोचा बाद में करेंगे, पहले हम दर्शन कर लेते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए थे। और आप देख सकते हो मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है आपको वहाँ ऊपर। तो अभी हम लोग चल दिए थे दर्शन करने के लिए।
और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर ना, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा था कि कहीं बच्चे गुम ना हो जाएं इधर उधर। आपने सुना होगा माइक में आवाज़ें लग रही थी, वो उन्हीं लोगों की लग रही थी जो लोग खो गए थे, मतलब अपने से बिछड़ गए थे। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग साथ में ही चल रहे थे सब, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, क्योंकि डर भी लग रहा था खो ना जाएं। और दूसरा ना, यहाँ पर बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है, बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं यहाँ पर। तो आप, हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर। ये मंदिर के अंदर का है, भीड़ थी। और अभी हम लोग पहुंच गए थे प्रेम मंदिर, तो आप देख सकते हो प्रेम मंदिर यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइमिंग होती है कुछ मंदिरों की, बंद होने की और खुलने की। तो ये बाहर से है प्रेम मंदिर का व्यू, आप देख सकते हो मेन गेट है ये प्रेम मंदिर का। तो कैसा है ये मेन मंदिर की डेकोरेशन, आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ पिक भी क्लिक कराई थी। और ये बैक, ये है अंदर से मंदिर का व्यू, आप लोग देख सकते हो कैसा है मंदिर अंदर से। अभी आपको मैं पूरे मंदिर की लाइटिंग दिखाऊंगी चेंज होते हुए, कि कौन कौन से कलर में, मतलब मंदिर की लाइटिंग चेंज होती रहती है बार बार। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। और हमने ना यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, मतलब काफ़ी देर तक हम यहाँ पर रुके थे। और चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ की झांकियाँ। तो ये झांकी देखिए आप लोग, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा भी, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये थे नाग देवता, मतलब जो कि पानी में खड़े थे कृष्ण जी ऊपर से उनके। और ये नाग देवता जो थे ना, ये चल रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चल रहे थे, और इनमें लाइटिंग वगैरह जली हुई थी। और बहुत सुंदर व्यू था, शायद मैं कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर ना कर पाई हूँ जितना अच्छा वहाँ पर रूबरू देखने से लग रहा था। बहुत ही सुंदर व्यू था, अगर आप कभी नहीं गए हो तो आप लोग एक बार जरूर जाकर देखिएगा। और ये देखिए प्रेम मंदिर की लाइटिंग। यहाँ पर प्रेम मंदिर के अंदर की लाइटिंग आपको अभी मैं पूरी भी दिखाऊंगी कि कितनी लाइटिंग चेंज होती है उसमें। तो यहाँ पर ये थे बगुले थे, मतलब इनकी भी झांकी बनी हुई थी, स्टैचू टाइप के थे ये, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और इधर था, ये देखिए यहाँ पर बह रहा था पानी, झरना। और उधर पीछे गोपियाँ कृष्ण जी के साथ खड़ी थीं, मतलब बहुत अच्छा व्यू था। आप लोग इंजॉय कीजिए पूरी वीडियो, और आप लोग कभी नहीं गए तो एक बार जरूर जाएं। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मंदिर की लाइटिंग चेंज हो रही है, तो आप लोग देखिएगा कितनी लाइटिंग चेंज होती है, सारी देखिएगा।
तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको प्रेम मंदिर के कलरिंग चेंज होते हुए? और इधर देखिए झांकी, तो इधर हैं सारी गायें और उधर हैं ग्वाल, तो इधर भी ये सुंदर झांकी बहुत ही सुंदर लगी थी। देखने के बाद मन मोह लिया था। अगर आप लोग कभी नहीं गए यहाँ पर प्रेम मंदिर, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाएं, बहुत ही अच्छा था। और इधर देखिए, इधर भी झांकी थी, इधर रासलीला कर रहे थे कृष्ण जी और राधा जी, और ये ना गोल गोल घूम रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था इनमें, मतलब कुछ लगा हुआ था जिससे ये घूम रहे थे। चारों ओर दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ये देखिए घूम रहे थे राधा कृष्ण जी, और हर जोड़ी के साथ में कृष्ण जी थे। और इधर गोवर्धन पर्वत बना हुआ था जहाँ से पानी बह रहा था, और इधर नीचे थे सारे ब्रजवासी, मतलब इस तरह से गोवर्धन पर्वत की भी वहाँ पर झांकी बनी हुई थी। और ये देखने लायक व्यू था बिल्कुल, मतलब आप लोग देखोगे ना हैरान रह जाओगे वहाँ की कलाकृति देखकर, इतना सुंदर था, मनमोहन था। और अभी हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, रात का टाइम हो गया था वापसी में, तो अभी हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए। हम लोग बैठ गए थे खाना खा रहे थे क्योंकि भूख लगी थी, और अभी रात भी बहुत हो गई थी। तो इधर सनी भी था, वो भी बैठा हुआ था, तो हम सभी लोग बैठे थे, मेन्यू डिसाइड कर रहे थे क्या खाएं खाने में। और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम शूट कर नहीं पाए थे, बहुत मतलब। और आप लोगों को पीछे से बैक में आवाज़ें सुनाई देंगी तो सॉरी इसके लिए, मेरा बेटा है बैठा हुआ है जो मेरे पास ही। और इधर मंगा लिया था हमने खाना, तो खाने में हमने मंगाई थी कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, और साथ में मंगाई थी दही, क्योंकि दही भी मुझे बहुत पसंद है। और इधर मंगाई थी आलू गोभी की सब्जी, आप लोग भी खा लीजिए खाना। और इधर मंगाई थी दाल, तो बस अभी हम लोग खाएंगे सारा खाना सभी लोग। इधर लवी सनी के साथ खेल रही थी, बांसुरी ली थी हमने वहाँ से एक, और सनी खेल रहा था बांसुरी के साथ वहीं पर बैठे बैठे। और अभी हमारा खाना पीना हो चुका था यहाँ पर, और उसके बाद हमने मंगाया था रसगुल्ला, क्योंकि खाना खाने के बाद मीठा तो खाने का बनता है ना, मन करता ही है थोड़ा सा, तो बस वही मीठा खाने के लिए मंगाया था रसगुल्ले। और उसके बाद मैंने मंगाया था अपने लिए दूध, कुल्हड़ वाला दूध। हमने खाना खा लिया है अभी, और मैंने मंगाया था कुल्हड़ वाला दूध, कुल्हड़ वाला दूध, और बच्चों को खानी आइसक्रीम भी, बच्चे फोन क्यों काट रहा बार बार। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़, बड़ी मुश्किल से जाके दर्शन मेरा पर्स डाल से दर्शन नहीं हो पाए, जो सोचा था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन प्रेम मंदिर था बहुत सुंदर। हाँ, पर शूट करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा सा, जितना भी हो सका था शूट किया है हमने, लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। चलिए अभी रूम में पहुंचे कि बाद में बात करते। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पी लीजिए कुल्हड़ वाला दूध, ये है मेरा कुल्हड़ वाला दूध, और बहुत टेस्टी था ये दूध पीने में, और मुझे ना कुल्हड़ में दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखिए लवी और सनी दोनों कर रहे थे मस्ती, एक्चुअली हमने होटल जो बुक किया था वहीं होटल के बाहर ही हम लोग बैठे थे यहाँ पर, तो सनी परेशान कर रहा था थोड़ा सा, ऐसे ही खेल रहा था यहाँ पर, इधर उधर भाग रहा था। तो ये रूम देखने के लिए गए थे ऊपर, तो बस अभी हम लोग भी पहुँच जाएंगे रूम में अपने, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रूम के अंदर। तो देख लीजिए रूम कुछ इस तरह से है हमारा, ये है हमारा रूम। तो बस अभी हम लोग रूम में ही हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग तो ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी मैं आप लोगों के साथ में। यहाँ पर ये था बाथरूम, और यहाँ पर ये थी बालकनी, और बालकनी में ना थोड़ा सा डर लगा था, इसलिए हमने बालकनी को बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी दीवारें बहुत छोटी छोटी थी, और बच्चों के साथ में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती मैं। तो बाहर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, तो कितना ज़्यादा लेट हो चुके थे हम लोग। तो बस आज का व्लॉग बस इतना ही था,
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मथुरा जाएंगे हम लोग तो दिखाएंगे कृष्ण जन्मभूमि और लोटस टेम्पल, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ।